इसराइल से आई इस तस्वीर ने हंगामा खड़ा कर दिया है। कई लोगों ने इस गाड़ी को देखकर इसराइल की निंदा शुरू कर दी है। इस गाड़ी में इसराइल के सैनिक बैठे हैं, लेकिन गाड़ी के बोनट पर बंधा व्यक्ति फिलिस्तीन का है। इस तस्वीर का विरोध करने वाले बोल रहे हैं कि इजरायली सेना ने खुद को बचाने के लिए फिलिस्तीन के एक व्यक्ति को बोनट पर बांध दिया, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसमें गलत ही क्या है। दरअसल इजरायल के कुछ सैनिक वेस्ट बैंक इलाके में एक ऑपरेशन करने गए थे। इस ऑपरेशन के दौरान बवाल मच गया, जिसकी वजह से इजरायल के सैनिकों को अपनी गाड़ी के बोनट पर फिलिस्तीन के एक व्यक्ति को बांधना पड़ गया। इजरायल की सेना वेस्ट बैंक इलाके में कुछ मोस्ट वांटेड फिलिस्तीनियों को पकड़ने गई थी, तभी अचानक फायरिंग और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इजरायल की सेना ने भी पलटवार किया, लेकिन फिलिस्तीन के लोग ज्यादा थे और इजरायली सेना के जवान बस एक ही गाड़ी में थे। ऐसे में इलाके से बचकर निकलने के लिए इजरायल की सेना ने गाड़ी के आगे एक घायल फिलिस्तीनी को बैठा दिया, ताकि फायरिंग और पत्थरबाजी कर रहे दूसरे फिलिस्तीनी रुक जाएं। इजरायल के सैनिक बस उस इलाके से सुरक्षित निकलना चाहते थे। अगर वो ऐसा ना करते तो उनका बचना भी शायद मुश्किल हो जाता। जैसे ही इजरायली सेना की गाड़ी वहां से सुरक्षित निकली, उसके तुरंत बाद इस घायल फिलिस्तीनी को इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले कर दिया गया, ताकि उसका इलाज किया जा सके। आपको याद होगा कि ऐसी ही घटना कश्मीर में भी हुई थी। ये वो समय था जब कश्मीर में पत्थरबाज सड़कों पर ही बैठे रहते थे। भारतीय सेना की एक गाड़ी को पत्थरबाजों ने घेर लिया था। उसके बाद सेना के एक अधिकारी ने एक पत्थरबाज को गाड़ी के बोनट पर बिठा दिया, ताकि बाकी भारतीय जवान उस इलाके से सुरक्षित निकल पाए। बहरहाल अब कई लोग इसराइल की आलोचना कर रहे हैं, मानवाधिकार वाले पीछे पड़ गए हैं। इसराइल ने भी कहा है कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या इसराइल के सैनिकों का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें कोई भी आकर मार जाए। इसराइल के सैनिक तो वेस्ट बैंक में इसलिए गए थे क्योंकि कुछ फिलिस्तीनियों ने एक इसराइली नागरिक की हत्या कर दी थी। उन्हीं आरोपियों को ढूंढने इसराइल की सेना वेस्ट बैंक पहुंची थी, लेकिन वेस्ट बैंक पहुंचते ही इजरायली सेना की गाड़ी पर हमला हो गया, जिसके बाद वहां से सुरक्षित निकलने के लिए इजरायली सेना को ऐसा करना पड़ गया।